प्रयोजन मूलक हिंदी का आज यह मेरा दूसरा एपिसोड है और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों ने मेरा पिछला एपिसोड देख लिया होगा। और प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है, उसकी विभिन्न प्रयुक्तियाँ क्या है, इस अवधारणा को आप लोगों ने भली भांति समझ लिया होगा। और यदि आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो भागे को जरूर देखें, तभी आप इस अवधारणा को भली भांति समझ पाएंगे। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी का दूसरा भाग। प्रयोजन मूलक हिंदी प्रयुक्तियां और व्यवहार क्षेत्र। प्रयुक्तियां क्या होता है? अलग अलग क्षेत्रों में हम अलग 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 प्रकार के शब्दावली का प्रयोग करते हैं। हिंदी की अलग अलग शब्दावली और भाषा शैली, बोलने का लहजा, इसे कहा जाता है प्रयुक्तियां। इसी के आधार पर हम प्रयोजन मूलक हिंदी को विभिन्न प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना, फिर देखेंगे हिंदी भाषा की वर्तमान प्रमुख प्रयुक्तियां, किन किन क्षेत्रों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उनकी प्रयुक्तियां कौन सी है। प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित प्रमुख प्रयुक्तियां। प्रयोजन मूलक हिंदी मतलब होता है हमारे व्यवसाय के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, अलग अलग कार्य क्षेत्र में, अलग अलग व्यवसाय में, अलग अलग उद्देश्य से हम जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी, अथवा फंक्शनल हिंदी, अथवा अप्लाइड हिंदी इसे कहा जाता है। जैसे कार्यालय हिंदी में प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, फिर वाणिज्य, व्यापार और बैंकिंग के क्षेत्र में अलग प्रकार की हिंदी का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी, वैज्ञानिक क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में अलग प्रकार की हिंदी का प्रयोग करते हैं। विधि के क्षेत्र में हिंदी, कानून के क्षेत्र में, कोर्ट कचहरी के क्षेत्र में हम अलग प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में हिंदी, संचार माध्यमों के क्षेत्र में हिंदी और विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी, और अंत में निष्कर्ष। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अलग अलग प्रयोजनों से, अलग अलग उद्देश्य को लेकर जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं उसके आधार पर हम प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित जो प्रमुख प्रयुक्तियां हैं उनको सात प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ से उत्तर लिखना चालू कर सकते हैं। हिंदी के संदर्भ में व्यावहारिक अथवा प्रयोजन मूलक विशेषण का प्रयोग अपेक्षाकृत नया है। इसका कारण यह है कि विविध प्रयोजनों के लिए विशिष्ट प्रकार की भाषा का प्रयोग अपेक्षाकृत नई घटना है। हिंदी भाषा और उसकी बोलियों का साहित्य परक और बोलचाल का रूप जितना पुराना है उतना अन्य प्रयोजन परक रूप नहीं है। प्रयोजन परक जो हिंदी है, प्रयोजन मूलक जो हिंदी है वह 1970 के बाद की घटना है, आप कह सकते हैं। उससे पहले हम हिंदी साहित्य में और बोलचाल में हिंदी का प्रयोग करते थे जो सामान्य प्रकार की हिंदी होती है अथवा साहित्यिक हिंदी होती है। साहित्यिक हिंदी को अथवा बोलचाल की हिंदी को हम प्रयोजन मूलक हिंदी नहीं कहते हैं। तो अभी नए नए क्षेत्रों में हिंदी का हम प्रयोग कर रहे हैं, व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में जो हिंदी का हम प्रयोग कर रहे हैं इसे कहते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी। हालांकि अंतरदेशीय वाणिज्य और व्यापार की भाषा के रूप में हिंदी बहुत समय से देश की संपर्क भाषा बनी हुई थी, लेकिन आधुनिक काल में आकर उसने कई नए दायित्वों का वहन किया है। मतलब पुराने समय में हिंदी का प्रयोग होता तो था, लेकिन वह हमारे देश के भीतर ही एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच, एक प्रांत से दूसरे प्रांत के बीच व्यापार और वाणिज्य की भाषा थी, संपर्क की भाषा थी। लेकिन वर्तमान समय में आकर हिंदी का दायित्व तो बढ़ा है, हिंदी का प्रयोग क्षेत्र बढ़ा है। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संपर्क हुआ, आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई, इसके साथ ही शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग शुरू हुआ। तो भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता का विकास और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संघ की राजभाषा के रूप में उसकी स्वीकृति, देश में औद्योगिक विकास आदि कारणों से हिंदी भाषा को नए दायित्वों से गुजरना पड़ा और उसके विभिन्न प्रयोजन मूलक क्षेत्र विकसित हुए और हो रहे हैं। 19वीं शताब्दी में जब भारतवर्ष में विज्ञान का प्रचार प्रसार बढ़ा, शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी विकसित होती चली गई, व्यापार और वाणिज्य की भाषा के रूप में विकसित होती चली गई, तो इस प्रकार उसके विभिन्न प्रयोजन मूलक क्षेत्र विकसित हुए और हो रहे हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी का तेजी से विकास आधुनिक युग में आकर हुआ, मतलब अलग अलग प्रयोजन से हम हिंदी का प्रयोग करने लगे आधुनिक समय में। इस कारण बदली हुई जीवन स्थितियों में भाषा को नए दायित्वों से होकर गुजरना पड़ा है और उसने नई अर्थ छवियां और नए रूप विकसित किए हैं। मतलब वर्तमान समय में हम हिंदी के प्रयोग के विभिन्न प्रकार के क्षेत्र विकसित हुए हैं
और उन क्षेत्रों में एक विशिष्ट प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। शब्दों के नए नए रूप हमने ग्रहण किए हैं, नए नए अर्थ ग्रहण किए हैं। आधुनिक काल से पूर्व हमारी सामाजिक व्यवस्था कृषि एवं शिल्प पर आधारित व्यवस्था थी, अतः कृषि, हस्तशिल्प और व्यापार संबंधी प्रयुक्तियां हमारी बोलियों में मौजूद है। आधुनिक समय में जबकि प्रयोजनमूलक हिंदी का विकास नहीं आधुनिक समय में ही प्रयोजनमूलक हिंदी का विकास हुआ है, लेकिन इससे पहले के समय में प्रयोजनमूलक हिंदी से पहले के समय में हमारी जो कृषि व्यवस्था थी, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, वह कृषि प्रधान थी। ग्रामीण कृषि एवं शिल्प पर आधारित हमारी व्यवस्था थी, हमारी अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। इसलिए हमारी बोलियों में कृषि से संबंधित, हस्तशिल्प से संबंधित और व्यापार से संबंधित भाषा शैली और शब्दावली पहले से मौजूद है। आधुनिक औद्योगिकीकरण और औद्योगिक विकास के साथ हिंदी भाषा नई प्रयुक्तियों में ढली है और ढल रही है। औद्योगिकीकरण जब हुआ भारत का और वैज्ञानिक विकास हुआ, तो नई भाषा शैली, नई शब्दावली ने जन्म लिया और नई प्रयुक्तियां बनी। इस तरह समाज का विकास जिन जिन क्षेत्रों में होता जाएगा और जिन जिन क्षेत्रों में हिंदी भाषा का हम प्रयोग करते रहेंगे, उन क्षेत्रों से संबंधित प्रयुक्तियां इस भाषा में विकसित होती रहेंगी। मतलब हिंदी भाषा का प्रयोग हम जिन नए नए क्षेत्रों में हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, उन क्षेत्रों की नई शब्दावलियां जन्म लेगी, शब्दों को नए नए अर्थ दिए जाएंगे, नए नए शब्द जन्म लेंगे और नई प्रकार की प्रयुक्तियां बनती जाएंगी, विकसित होती चली जाएंगी। उदाहरण के लिए कंप्यूटर से संबंधित व्यापक शब्दावली हिंदी में आई है। यदि इस क्षेत्र में और अधिक विस्तार होता है और उसका माध्यम हिंदी भाषा बनती है, तो संभव है उसकी भी एक नई प्रयुक्ति विकसित हो जाए। अब कंप्यूटर के क्षेत्र में हम जानते हैं, डाउनलोड करना, अपलोड करना, ईमेल भेजना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना और हमारा जो कीबोर्ड, लैपटॉप, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सारी शब्दावलियां कंप्यूटर के क्षेत्र की शब्दावलियां हैं। वैसे ही जब कंप्यूटर के क्षेत्र में और भी विकास होता जाएगा, तो नई नई शब्दावली इस क्षेत्र में आएंगी। अब हिंदी भाषा की वर्तमान प्रमुख प्रयुक्तियां कौन कौन सी है, किन किन क्षेत्रों में हिंदी भाषा का हम प्रयोग करते हैं, तो पहला है सामान्य व्यवहार या बोलचाल की हिंदी, दूसरा है साहित्यिक हिंदी, तीसरा है कार्यालयी हिंदी, चौथा वाणिज्यिक व्यापार और बैंकिंग के क्षेत्र में हिंदी, पांचवा वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी, छठवा विधि के क्षेत्र में हिंदी, सातवा सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में हिंदी, आठवां संचार माध्यम में हिंदी और नौवां विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी। तो ये पहला और दूसरा है, ये पहला और जो दूसरा है सामान्य व्यवहार या बोलचाल की हिंदी और साहित्यिक हिंदी, इसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत शामिल नहीं करते। और इसके सिवाय यहां से यहां तक, ये तीसरे नंबर से लेकर यहां तक जो भाग है, यही कहा जाता है प्रयोजन मूलक हिंदी। तो कार्यालयी हिंदी मतलब विभिन्न व्यवसायों में, विभिन्न कार्य क्षेत्रों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम कहते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी। तो यहाँ पर कार्यालयी हिंदी, वाणिज्य व्यापार बैंकिंग के क्षेत्र में हिंदी, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी, विधि के क्षेत्र में हिंदी, सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में हिंदी, संचार माध्यम में हिंदी और विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी, इसे हम कहते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी। तो इन 10 प्रयुक्तियों में से पहली दो को छोड़कर, 10 में यहाँ पर नौ है, क्षमा चाहता हूँ, नौ, तो इन नौ है ना, इन नौ प्रयुक्तियों में से पहली दो को छोड़कर शेष प्रयुक्तियों का संबंध प्रयोजन मूलक हिंदी से है। पहली प्रयुक्ति यानी आम सामान्य बोलचाल की भाषा अनौपचारिक होती है, इसलिए इसे प्रयोजन मूलक हिंदी नहीं कहा जाता। साथ ही इसमें बड़ी व्यापक छूट होती है, जरूरत पड़ने पर किसी भी क्षेत्र विशेष की प्रयुक्ति का समावेश इसमें किया जा सकता है। मतलब जो बोलचाल की शब्दावली है, उसमें कोई विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग नहीं करते, बल्कि किसी भी क्षेत्र की शब्दावली का प्रयोग इसमें कर लेते हैं। दूसरी यानी साहित्यिक भाषा में भी इसी तरह की छूट होती है, साथ ही साहित्य के अपने बंधनों और अनुशासनों को भी अवसरानुकूल अपनाया जा सकता है। इसी प्रकार साहित्यिक हिंदी की भी कोई विशिष्ट शब्दावली नहीं होती है, कोई पारिभाषिक शब्दावली नहीं होती है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों की शब्दावली साहित्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इसीलिए जो साहित्यिक हिंदी है अथवा जो बोलचाल की हिंदी है, इसे प्रयोजन मूलक हिंदी नहीं कहा जाता। अन्य सभी प्रयुक्तियां व्यवसाय विशेष अथवा ज्ञान विशेष से संबंधित हैं, उनसे परिचय के लिए संबद्ध विषय के ज्ञान का अध्ययन तथा व्यवसाय में सक्रिय होने की जरूरत होती है। इसके सिवा प्रथम दो को छोड़कर जो 7 प्रयुक्तियां हैं, वह विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से संबंध रखती हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य क्षेत्र से संबंध रखती हैं। अतः इन प्रयुक्तियों को समझने के लिए हमको
उस विषय का ज्ञान होना चाहिए, उस कार्य क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम उसकी प्रयुक्तियों को समझ सकते हैं और प्रयोग में ला सकते हैं। अब हम हिंदी की उपयुक्त प्रवृत्तियों के स्वरूप की चर्चा करते हुए उनकी शब्दावली तथा अन्य विशेषताओं का विवेचन करेंगे। इससे विभिन्न प्रवृत्तियों के व्यवहार क्षेत्र की जानकारी के साथ साथ इन प्रवृत्तियों की विशिष्टताओं तथा आपसी अंतर को भी पहचाना जा सकेगा। तो नीचे जो 7 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, हम देखेंगे कि उनमें किन प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है और एक प्रकार की प्रवृत्ति दूसरे प्रकार की प्रवृत्ति से किस प्रकार से भिन्न है, उनमें क्या अंतर है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित प्रमुख प्रयुक्तियों में पहला है प्रशासनिक अथवा कार्यालयी हिंदी। प्रशासनिक अथवा कार्यालयी हिंदी, जैसा कि आप जानते हैं कि आजादी के पहले हमारी जो राजकाज की भाषा थी वह अंग्रेजी थी, और अंग्रेजों से पहले जो राजकाज के शासकीय कामकाज की जो भाषा थी वह फारसी थी। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो हमको प्रशासनिक कार्यों के लिए एक भाषा की आवश्यकता महसूस हुई कि हम स्वतंत्र भारत में किस भाषा में कामकाज करेंगे। तो इसलिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और हमको सारा कामकाज केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी में करने के लिए कहा गया। और जो सरकारी कामकाज जो होता है केंद्र सरकार के कार्यालयों में, उस हिंदी को हम बोलते हैं प्रशासनिक हिंदी अथवा कार्यालयी हिंदी, और इसमें ही प्रशासनिक शब्दावली अर्थात परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का भी गठन किया गया है। तो प्रशासनिक हिंदी से तात्पर्य प्रशासनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हिंदी भाषा है। शासकीय कार्यों के लिए कार्यालयों के दैनिक कामकाज में इस्तेमाल होने के कारण इसे कार्यालयी हिंदी भी कहा जाता है। सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों में हिंदी भाषा का प्रयोग आजादी के बाद की घटना है। जैसे मैं बता चुका हूं आपको, आजादी से पहले अंग्रेजी राजभाषा थी, अंग्रेजों से पहले मुगल काल में फारसी राजभाषा थी। प्रशासनिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग की शुरुआत के विषय में 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा निर्णय लिया गया कि स्वाधीन देश में सरकारी कामकाज देश की अपनी भाषा में होना चाहिए, और परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा मतलब केंद्र की राजभाषा का के रूप में घोषित किया गया और उसको दर्जा दिया गया। हिंदी भाषी राज्यों में भी यह राज्य सरकार की राजभाषा बनी, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ऐसे राज्यों में हिंदी राजभाषा है और केंद्र सरकार में भी हिंदी हमारी राजभाषा है। जब हिंदी को राजभाषा के रूप में हम प्रयोग करते हैं तो वह प्रशासनिक हिंदी अथवा कार्यालयी हिंदी कहलाती है, और इसमें हमको पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करना होता है। इस तरह हिंदी भाषा को नए दायित्व सौंपे गए। इन नए दायित्वों के अनुरूप शब्दावली और भाषाई मुहावरे का विकास हिंदी में होने पर कार्यालय हिंदी की प्रयुक्ति विकसित हुई, और उसके अनुरूप ही हमारी शब्दावली भी विकसित हुई। तो इस प्रयुक्ति के विकास में पिछली राजभाषाओं ने प्रभावपूर्ण भूमिका अदा की। इसका कारण यह था कि आजादी के बाद सरकारी कार्यालयों में राजकाज की वही पद्धति अपनाई गई थी जो अंग्रेजी शासन काल से चली आ रही थी। पुरानी पद्धति को हिंदी भाषा के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए अनुवाद की व्यापक मात्रा में जरूरत महसूस हुई। संपूर्ण कार्यविधि साहित्य अंग्रेजी में उपलब्ध कराना था, इसे हिंदी में अनुदित कराने की व्यवस्था की गई। इसके लिए हिंदी में प्रशासनिक शब्दावली तैयार की गई और अनुवाद कार्य आरंभ हुआ। इस तरह कार्यालय हिंदी के विकास में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आज भी है। मतलब अंग्रेजों के समय में जो अंग्रेजी में सारा कामकाज होता था, जब हमको यह बोला गया कि हमको हिंदी में पूरा कामकाज करना है, तो अंग्रेजी के जितने भी मैनुअल थे, जो कार्यविधि साहित्य थे, प्रोसीजरल जो मैनुअल थे, जो किताबें थी और जो पत्र वगैरह थे, उनका हिंदी में अनुवाद करना अपेक्षित हो गया और इसका हिंदी में अनुवाद किया गया। तो इस तरह प्रशासनिक हिंदी का जो विकास हुआ है, कार्यालयी हिंदी का जो विकास हुआ है, जो प्रचलन हुआ है, वह अनुवाद के माध्यम से। तो इस प्रकार आज भी शासकीय कार्यालयों में, केंद्र सरकार के कार्यालयों में व्यापक रूप से अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया जा रहा है। तो जहां तक कार्यालय हिंदी, अब इसका स्वरूप कैसा होता है, जो प्रशासन की जो भाषा कैसी होनी चाहिए, जहां तक कार्यालय हिंदी के स्वरूप का प्रश्न है, इसकी पहली शर्त है सरलता, स्पष्टता और सुबोधगम्यता। इस भाषा का इस्तेमाल प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है, लेकिन यह उनको समझ में आनी चाहिए जिनके लिए प्रशासन किया जा रहा है, यानी यह आम जनता को बोधगम्य होनी चाहिए। तो जो प्रशासनिक भाषा है, जो कार्यालय की जो भाषा है, वह आम जनता के लिए, क्योंकि आम जनता के ऊपर शासन करना है, इसलिए प्रशासन की भाषा की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह है सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और आम जनता के समझ में बहुत ही आसानी से आनी चाहिए। उदाहरण के लिए कोई आवेदन फॉर्म जिन व्यक्तियों को भरना है, उन्हें इसकी भाषा समझ में आनी चाहिए।
इसी तरह यदि कोई सूचना जारी की जाती है तो वह संबद्ध लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो जैसे कि कोई आवेदन फॉर्म, कोई आवेदन पत्र भरना है आपको, तो उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, तभी आप उसको भर पाएंगे। कोई सूचना जारी की जाती है आम जनता के लिए तो वह उनको समझ में आनी चाहिए। लेकिन कार्यालय की भाषा क्या होती है? औपचारिक भाषा होती है। उच्चतर अधिकारी अथवा अधीनस्थ अधिकारी से खास तरह की औपचारिकता का निर्वाह किया जाता है। इसके साथ ही पारिभाषिक शब्दावली का सुनिश्चित अर्थ में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जो प्रशासनिक हिंदी है, जो कार्यालय हिंदी है, वह पूरी तरह से औपचारिक होती है। उसमें एक विशेष प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। तो कैसे पत्र लिखते हैं? जब हम पत्र लिखते हैं तो कार्यालय का नाम लिखते हैं, पत्र संख्या लिखते हैं, उसको ऊपर लिखा जाता है। फिर संबंधित अधिकारी जिसको हम भेज रहे हैं पत्र, जैसे सचिव, संघ, लोक सेवा आयोग, इनको संबोधित करते हुए पर्याप्त औपचारिकता निभाई जाती है। मूल सूचना मतलब कंटेंट आपने लिख लिया, पूरा बॉडी लिख लिया पत्र का। फिर अंत में लिखते हैं स्वनिर्देश के रूप में भावदी लिखते हैं, फिर उसके नीचे हस्ताक्षर लिखते हैं, अब ब्रैकेट में अपना नाम और पदनाम लिखते हैं, जैसे अवर सचिव। इसमें इस प्रकार के वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं, निदेश हुआ है, कृपा करें। तो यह मात्र शैलीगत औपचारिकता के लिए नहीं है, बल्कि कार्यालय की कार्य प्रक्रिया की आवश्यकता के अनुरूप प्रयुक्त होते हैं। तो यह सब आपको उदाहरण लिखना है, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे। इसमें प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जैसे समसंख्यक पत्र, नियमित आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो आम जिंदगी की बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त नहीं होते हैं। तो इस तरह के शब्द होते हैं, इन उदाहरण के रूप में आपको लिखना है। प्रशासनिक क्षेत्र के तकनीकी शब्दों, तकनीकी शब्द मतलब पारिभाषिक शब्द, इनका प्रयोग इसी रूप में होता है। इनके पर्याय हो सकते हैं, लेकिन उन पर्यायों को प्रशासन की भाषा में इस्तेमाल नहीं किया जाता। मतलब इनके कोई समानार्थी शब्द हो सकते हैं, जैसे समसंख्यक पत्र के स्थान पर आप लिख सकते हैं इसी संख्या वाले पत्र, या फिर अधीनस्थ कार्यालय के स्थान पर लिख सकते हैं मातहत कार्यालय। लेकिन ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता। जिन शब्दों का निर्माण किया गया है पर्टिकुलरली, उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है प्रयोजन मूलक हिंदी का दूसरा रूप, वाणिज्य, व्यापार और बैंकिंग के क्षेत्र में हिंदी, तो इसकी अलग शब्दावली होती है। वाणिज्य और व्यापार का संबंध समाज के विभिन्न वर्गों से होता है। जो लोग वाणिज्य व्यापार के कार्य में लगे होते हैं, उनकी भाषा के विशिष्ट शब्दावली और मुहावरा होता है। वे लोग अपने कार्य में तो इसका इस्तेमाल करते ही हैं। आम आदमी का भी इसी भाषा से कहीं ना कहीं वास्ता रहता है, क्योंकि वाणिज्य और व्यापार का क्षेत्र जीवन का बड़ा ही व्यापक और महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। आप कोई चीज खरीदेंगे तो कैश मेमो लेंगे, किसी चीज के लिए पैसे का भुगतान करेंगे तो उसकी रसीद लेंगे, पूंजी निवेश करेंगे तो उसका हिसाब किताब रखेंगे। इस प्रकार कहीं ना कहीं इस भाषा से सभी का वास्ता पड़ता है। इसी तरह बैंक में खाता रखने की आवश्यकता सभी को होती है। तो ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पर यूज किया है, ये पारिभाषिक शब्द हैं जो वाणिज्य, व्यापार और बैंकिंग के क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाते हैं। इस भाषा का प्रयोग न केवल वाणिज्य, व्यापार और बैंकिंग के क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग करते हैं, बल्कि आम जनता भी इसका प्रयोग करती है। जैसे कि हम लोग करते हैं, कोई सामान खरीदेंगे तो बिल लेंगे, रसीद लेंगे, कैश मेमो लेंगे, कहीं पैसा निवेश करेंगे, तो ये सारी चीजें। बैंक में हम खाता खोलते हैं। तो व्यापार और वाणिज्य का विस्तार किसी भाषा विशेष के क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अंतर्राज्यीय, अंतर प्रांतीय और अंतर्राष्ट्रीय भी होता है। तो व्यापार वाणिज्य का प्रचार प्रसार केवल एक ही राष्ट्र में, एक ही राज्य में नहीं रहता, बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य, एक प्रांत से दूसरे प्रांत, एक राष्ट्र से दूसरे प्रांत, या एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक इसका प्रचार प्रसार होता है। तो हिंदी भारतीय समाज में व्यापार वाणिज्य की भाषा बहुत समय से रही है, व्यापारियों की यह भाषा हमेशा से रही है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ने देशव्यापी वाणिज्य और व्यापार को सुलभ बनाया है। जो व्यापारी होते हैं प्रायः हिंदी भाषा के जानकार होते हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में विकसित शब्दावली और मुहावरा हिंदी के बोलियों में खूब प्रचलित रहा, और आज भी यह काफी हद तक अपने परंपरागत रूप में उपलब्ध है। इसलिए व्यापार, वाणिज्य और बैंकिंग में हिंदी भाषा की शब्दावली निर्मित हुई है और यह आज भी हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही साथ अंग्रेजी के प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार की भाषा अंग्रेजी होने के कारण आज इस क्षेत्र में अंग्रेजी शब्दावली का भी भरपूर समावेश हुआ है। उदाहरण के लिए निम्न वाक्यों को पढ़िए। तो मतलब यह है कि व्यापार और वाणिज्य और बैंकिंग के क्षेत्रों में उसकी जो शब्दावली निर्मित हुई है, वह या तो वह हिंदी से निर्मित हुई है अथवा अंग्रेजी से निर्मित हुई है। एक उदाहरण पढ़ते हैं। यह सब मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ ताकि इस अवधारणा को आप भली भांति समझ सकें और परीक्षा में इन उदाहरणों में से कुछ को आप लिख पाए ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हों। तो ये एक उदाहरण पढ़ लेते हैं। एक वाक्य है, एक मतलब पैराग्राफ है। कई लोग व्यावसायिक उद्यम के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। अब हम देखते हैं कि व्यापार
वाणिज्य और बैंकिंग में किस तरह की शब्दावली और वाक्य विन्यास का प्रयोग किया जाता है। ये लोग या पक्ष निम्नलिखित हैं, मालिक, प्रबंधक, ऋणदाता, लेनदार, संभावित निवेशकर्ता, कर प्राधिकारी, कर्मचारी आदि। इन लोगों को जो जानकारी उपलब्ध कराई जाती है उसके आधार पर वे उद्यम के संबंध में निर्णय लेते हैं। यह सूचना उन्हें साधारणतः वार्षिक रिपोर्ट के रूप में दी जाती है, इसे वित्तीय रिपोर्ट कहते हैं। वित्तीय रिपोर्ट में केवल वित्तीय विवरण जैसे लाभ हानि और लेखा और तुलन पत्र मतलब होता है बैलेंस शीट ही शामिल नहीं, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं भी दी जाती हैं, जैसे कि व्यवसाय के संबंध में प्रबंधकों की भावी योजनाएं तथा अपेक्षाएं क्या है। व्यापार शब्द का अर्थ है खरीदना और बेचना, इसलिए खरीदने और बेचने वाले व्यक्ति को कहा जाता है व्यापारी। व्यापारी उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में बिचौलिए का काम करता है, मतलब जो उत्पादक है वह उत्पादन कर देता है, उसका व्यापारी लोग खरीद लेते हैं और फिर उसको उपभोक्ता को बेच देते हैं, तो मिडिल मैन होते हैं, बिचौलिए होते हैं। अब व्यापार थोक भी हो सकता है, फुटकर भी हो सकता है। थोक व्यापारी उत्पादकों से बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है और उसे फुटकर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचता है। उत्पादक ने उत्पादन कर दिया, व्यापारी उसको थोक मात्रा में खरीद लिया और बहुत सारे दुकानदार को उसको फुटकर रूप में बेच दिया, थोड़े थोड़े भाग को बेच दिया। तो ये जो शब्दावली है, यहाँ ऋणदाता, लेनदार, निवेशकर्ता, लाभ हानि, तुलन पत्र, बिचौलिए, थोक, फुटकर, वित्तीय रिपोर्ट आदि शब्दों पर ध्यान दीजिए। वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में परंपरागत शब्दावली लेनदार, बिचौलिए, थोक, फुटकर के साथ ही ऋणदाता, निवेशकर्ता, उपभोक्ता, तुलन पत्र जैसे शब्द हैं जो इस क्षेत्र के अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय के रूप में निर्धारित किए गए हैं। तो यह सब अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किए गए हैं। इस क्षेत्र में अंग्रेजी की काफी शब्दावली भी ग्रहण कर ली गई है एज इट इज, जैसे कि वे हैं, जिसका हम समय समय पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे शेयर, रिकॉर्ड, डिबेंचर, कैश मेमो इत्यादि। तो इन उदाहरणों को आपको अपने उत्तर में लिखना है। अब हम देखते हैं कि वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में हिंदी की क्या भूमिका है। वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी का व्यवहार क्षेत्र, शिक्षा तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग अथवा कार्यान्वयन का क्षेत्र है। मतलब वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी का प्रयोग किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जिसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। विज्ञान उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन, और अनुसंधान मतलब रिसर्च में अंग्रेजी के व्यापक प्रयोग के बावजूद हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बहुत बड़ी है। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी को व्यवहार में लाने वाले लोगों में बड़ी तादाद में बहुवर्ग भी है जो हिंदी के माध्यम से ही संप्रेषण करता है। इन्हीं वर्गों की जरूरतों के लिए इस क्षेत्र में हिंदी का विकास हुआ है। मतलब सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम से पढ़े लिखे हैं और वे सूचना प्रौद्योगिकी अथवा रिसर्च के क्षेत्र में हिंदी के शब्दों का प्रयोग करते हैं और इसी में अपना संप्रेषण करते हैं, अपनी बात रखते हैं, विचार विनिमय करते हैं। तो इन्हीं वर्गों की जरूरत के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी का विकास हुआ है। इसमें भी विशिष्ट प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान और चिंतन की परंपरा प्राचीन काल में तो काफी विकसित थी, परंतु मध्य काल में इसमें कोई विकास नहीं हुआ। फलतः संस्कृत भाषा में तो विज्ञान संबंधी लेखन हुआ था, किंतु हिंदी में इसकी वैसी परंपरा नहीं रही। आधुनिक युग में आकर पश्चिम के विज्ञान और प्रौद्योगिकी से परिचय के बाद हिंदी में वैज्ञानिक लेखन शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप हिंदी में विज्ञान की शब्दावली में प्राचीन संस्कृत शब्दों के साथ ही अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली को ग्रहण किया गया है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैलोरी आदि ऐसे ही शब्द हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। तो प्राचीन काल में जो हमारी भाषा थी वह संस्कृत थी। प्राचीन भारत की जो भाषा थी वैदिक काल में वह क्या थी? संस्कृत थी। और उस समय बड़े बड़े विद्वान हुए, सुश्रुत, नागार्जुन जैसे बड़े बड़े विद्वान हुए। साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा विकास था, इसलिए जो किताबें लिखी गई वह संस्कृत में लिखी गई थी। लेकिन मुगलों के समय में, मुगल काल में, मिडिल एज में क्या हुआ था, फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो उस समय बहुत सारी किताबें नहीं लिखी गई साइंस और टेक्नोलॉजी की। और आधुनिक समय में अंग्रेजी का प्रचार प्रसार हो गया, तो सूचना और प्रौद्योगिकी के जो किताबें थी, जो प्रौद्योगिकी और विज्ञान या रिसर्च या अनुसंधान की जो किताबें थी अंग्रेजी भाषा में थी। तो बाद में जब हिंदी का वैज्ञानिक लेखन शुरू हुआ तब हिंदी की नई शब्दावली गढ़ी गई। तो इसलिए हिंदी में विज्ञान की शब्दावली जो है संस्कृत में तो मिलती है और बाद में अंग्रेजी में मिलने लगी। और अंग्रेजी के जो अंतरराष्ट्रीय रूप है जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैलोरी आदि शब्दों को हिंदी में यथावत ग्रहण कर लिया गया। एक उदाहरण हम देखते हैं। कुल मिलाकर कहना यह है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली अभी अभी गढ़ी जा रही है हिंदी में।
रसायन शास्त्र का एक मूलभूत नियम कहता है कि तो किस प्रकार की शब्दावली हिंदी में गढ़ी गई देखते हैं। रसायन शास्त्र का एक मूलभूत नियम कहता है कि किसी रासायनिक पदार्थ की उसके शुद्ध रूप में रासायनिक संरचना सदैव एक सी रहती है। उदाहरण के लिए पानी सदैव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है जो 1:8 के अनुपात में संयुक्त होते हैं। यह स्थिर रासायनिक संरचना का नियम कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। उष्मा अपने आप किसी ठंडे पदार्थ से गर्म पदार्थ की ओर नहीं बहती, यह उष्मा की गति का दूसरा नियम है। तो यहां आपने देखा कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली अलग होती है। तो किस प्रकार की शब्दावली है? यहाँ शब्दावली की विशेषता के अतिरिक्त एक और बात ध्यान देने योग्य है। भाषा में अर्थ की एक खास तरह की सुनिश्चितता है, मतलब निश्चित अर्थ है भाषा में। जैसे संयुक्त शब्द यहाँ मिलने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर संयुक्त से तात्पर्य मिलाना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाना, संयुक्त करना। विज्ञान में वह केवल इसी अर्थ में प्रयुक्त होगा। इससे भिन्न प्रयोग आप प्रशासनिक क्षेत्र में देखेंगे। तो यहाँ रासायनिक जो क्रिया होती है उसके संदर्भ में जब हम संयुक्त शब्द का प्रयोग करते हैं तब उसका अर्थ होता है मिलाना, दो तत्वों या दो यौगिकों को मिलाना। लेकिन यहाँ पर प्रशासन के क्षेत्र में हम देखेंगे संयुक्त निदेशक, ज्वाइंट डायरेक्टर, संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसे प्रयोग मिलेंगे। इसी तरह उष्मा का बहना आम बोलचाल में जल के बहने या किसी अन्य तरल पदार्थ के बहने की तुलना में विशिष्ट और सुनिश्चित अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो उष्मा का बहना वह बहना नहीं कि पानी बह रहा है, बल्कि उष्मा का बहना यह क्या है, उष्मा का प्रसार हो रहा है ना, इसे कहते हैं प्रसार। तो ये अलग अलग है। अब विधि के क्षेत्र में हिंदी, कानून कोर्ट कचहरी की भाषा में किस प्रकार की हिंदी का प्रयोग किया जाता है, वह भी एक विशिष्ट प्रकार है, प्रयोजन मूलक हिंदी है। तो विधि के क्षेत्र में हिंदी मतलब कानून के क्षेत्र में हिंदी किस प्रकार से हम प्रयोग में लाते हैं। यद्यपि ब्रिटिश शासन काल के दौरान पश्चिमोत्तर प्रदेश में अदालती कामकाज में फारसी के स्थान पर हिंदी के प्रयोग के आदेश दिए गए थे, लेकिन व्यवहार रूप में कचहरियों की भाषा उर्दू ही रही। कालांतर में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार और उच्च शिक्षा की भाषा अंग्रेजी होने से हिंदी का महत्व केंद्रीय न रहकर हाशिए में पड़ता गया। आजादी के बाद जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तो इसे विधि एवं न्याय व्यवस्था में भी अपनाने का प्रश्न उठा। इसके लिए विधि शब्दावली निर्धारित की गई। विधिक भाषा की शब्दावली में अंग्रेजी के शब्दों के हिंदी पर्याय निर्धारित करते समय संस्कृत तथा अरबी फारसी के शब्दों को आधार स्वरूप ग्रहण किया है। तो अंग्रेजों के समय में जो पश्चिमोत्तर प्रांत है उसमें यह व्यवस्था की गई कि वहां जो अदालत के जो कामकाज होंगे, जो कार्यवाही होगी, जो निर्णय दिए जाएंगे वह हिंदी में भी दिए जाएंगे। लेकिन वह बाद में सफल नहीं हुआ तो अरबी फारसी का प्रयोग किया जाता था आजादी के पहले भी, कालांतर अंग्रेजों के समय में। लेकिन बाद में जब अंग्रेजी उच्च शिक्षा की भाषा हो गई तो कोर्ट कचहरी की भाषा भी अंग्रेजी होती चली गई। लेकिन बाद में जब 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दे दिया गया तब यह व्यवस्था की गई कि कोर्ट कचहरी में भी, खासकर लोअर कोर्ट में, हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी में अनुवाद किया गया या फिर अरबी फारसी के शब्दों को यथावत ग्रहण कर लिया गया। तो इस प्रकार जब हम हिंदी में विधिक शब्दावली देखते हैं तो उसमें हमको अंग्रेजी के भी शब्द मिलते हैं, संस्कृत के भी शब्द भी मिलते हैं और अरबी फारसी के शब्द भी मिलते हैं। विधि की भाषा बहुत ही सतर्क और सुनिश्चित भाषा होती है। कानून की भाषा बिल्कुल स्पष्ट होती है, सुनिश्चित होती है, क्योंकि उसमें जो कुछ कहा जाए उसका सीधा और उतना ही अर्थ निकलना अपेक्षित होता है जितना कहने या लिखने वाले का आशय है। मतलब जब हम कोर्ट कचहरी की भाषा को देखते हैं, सुनते हैं, तब हम पाते हैं कि उसमें विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जिसका केवल एक ही और निश्चित अर्थ निकलता है। इसे कहा जाता है विधिक शब्दावली। इसीलिए विधि के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली हिंदी में स्पष्टता और एकार्थता नितांत रूप से आवश्यक होती है। मतलब विधि के क्षेत्र में हम जिन हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हैं वह स्पष्ट होनी चाहिए और उसमें केवल एक ही अर्थ निकलना चाहिए। यही कारण है कि संदर्भ विशेष के लिए निश्चित शब्द ही प्रयुक्त होते हैं, उसके लिए पर्याय रखने की छूट नहीं होती। मतलब हम जब विधिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं तब विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसके समानार्थी शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते। एक उदाहरण देखते हैं, तीसरा है ना, खंड एक के उपखंड एक, उदाहरण के लिए इस तरह के वाक्य में बता रहा हूँ कि किस तरह के वाक्य और किस तरह की शब्दावली का प्रयोग हम विधिक क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में करते हैं। खंड एक के उपखंड ख में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुनः स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा दो में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है
वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद उस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। यहाँ किस प्रकार की शब्दावली प्रयोग में लाई गई है? यहाँ उपखंड, पुनः स्थापित, पारित, प्रख्यापित, उपविधि आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है जो विधि के क्षेत्र के अलावा अन्य किसी क्षेत्र में सामान्यतया प्रयुक्त नहीं होते। इन शब्दों का प्रयोग दूसरी जगह नहीं किया जाता अन्य क्षेत्रों में। यह वस्तुतः विधि की तकनीकी शब्दावली है या पारिभाषिक शब्दावली है और यहाँ इन शब्दों के स्थान पर उनका कोई और पर्याय रखना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि जो बात कही जा रही है उसके निर्दिष्ट अर्थ, उसके जो विशिष्ट अर्थ है उसके अतिरिक्त कोई भी अन्य अर्थ निकालना अभिष्ट नहीं है, प्रयोजन नहीं है, उद्देश्य नहीं है। शब्दावली के अतिरिक्त यहाँ वाक्य विन्यास भी विशिष्ट है। यहाँ भी कार्यालय हिंदी की तरह कर्मवाच्य के प्रयोग की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जैसे कार्यालय हिंदी है उसमें कर्मवाच्य या पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है, वैसे यहाँ पर भी पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। वाक्य भी सामान्य प्रयोग की तुलना में काफी लंबा है। पूरा पैरा ही एक वाक्य है जिसमें कई खंडों और उपवाक्यों को शामिल किया गया है। ऐसी वाक्य रचना हिंदी की सामान्य प्रवृत्ति नहीं होती है। हिंदी में लंबे वाक्य बनाने की परंपरा नहीं है, किंतु हमारा विधिक लेखन अक्सर पहले अंग्रेजी में किया जाता है और फिर उसका हिंदी रूपांतरण होता है। पहले कोर्ट कचहरी कानून में जो आदेश वगैरह जो दिए जाते हैं, जो दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, वह अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं, फिर उसका हिंदी में अनुवाद किया जाता है। अतः अंग्रेजी वाक्य के निहितार्थ को पूर्णतया ज्यों के त्यों प्रस्तुत करने के लिए ऐसी वाक्य रचना की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हिंदी का पूरा पैराग्राफ बहुत बड़ा हो गया है। तो यह क्यों हुआ है? क्योंकि उसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, इसीलिए जो हिंदी का वाक्य विन्यास है उस पर अंग्रेजी भाषा का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। अब सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में हिंदी, सामाजिक विज्ञान जिसे आप कहते हैं SST, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास इत्यादि को बोला जाता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञानों की भाषा की विशेषता उस क्षेत्र के विशिष्ट शब्दावली होती है। अर्थशास्त्र भी है इस क्षेत्र के अंतर्गत। राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास आदि विषय आते हैं। इनकी शब्दावली संकल्पनाओं, संकल्पनाओं मतलब कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है और विचारधाराओं पर आधारित होती है। जैसे मार्क्सवाद आप कहते हैं तो एक विचारधारा है, कोई कॉन्सेप्ट है और अपने भीतर विशिष्ट अर्थ समाहित किया होता है। उदाहरण के निम्नलिखित पैराग्राफ को पढ़िए। इस पैराग्राफ को पढ़कर देखते हैं किस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हम सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में करते हैं हिंदी में। ये खाली समझाने के लिए है आपका। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने स्वतंत्रता संघर्ष को वैचारिक आधार प्रदान करने और साम्राज्यवाद के आर्थिक नतीजों का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि राष्ट्रवाद ने अपना ध्यान बाह्य पक्ष अर्थात भारत के साम्राज्यवादी शोषण पर ही केंद्रित किया और आंतरिक पक्ष अर्थात भारतीय समाज में विभिन्न वर्गों के पारस्परिक संघर्ष और वर्ग शोषण पर कम ध्यान दिया। इस दूसरे पक्ष पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करने का कार्य मार्क्सवादी दृष्टि के प्रभाव के परिणाम स्वरूप हुआ और सन और यह 1940 के दशक के बाद लगातार बढ़ता गया। इसी नई दृष्टि ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक राष्ट्रीय समीक्षा को ही शामिल नहीं किया, बल्कि इस समीक्षा को भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को विश्व पूंजीवाद व्यवस्था के ढांचेगत विश्लेषण के अंतर्गत रखकर विकसित भी किया गया। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार की शब्दावली प्रयोग में लाई गई है। यहाँ राष्ट्रवाद, साम्राज्यवादी, पूंजीवाद, मार्क्सवाद, वर्ग शोषण आदि पारिभाषिक शब्द हैं। इनका प्रयोग विशिष्ट अर्थों में होता है, खास अर्थों में होता है और जरूरी नहीं कि यह विशिष्ट अर्थ अपने मूल शब्द के अर्थ से सकारात्मक संगति ही रखे। मूल शब्द क्या है? जैसे राष्ट्र है, राष्ट्र से क्या बना? राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय। तो ऐसा नहीं राष्ट्र में क्या राष्ट्र की भावना नहीं थे, लेकिन जरूरी नहीं कि राष्ट्रवाद या फिर राष्ट्रीय वैसा ही अर्थ रखें। जैसे राष्ट्र से बना राष्ट्रवाद शब्द और पूंजी से बना पूंजीवाद शब्द इसी प्रकार के शब्द हैं। राष्ट्र से ही बना राष्ट्रीय शब्द अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका तात्पर्य होता है देश प्रेम, अपने राष्ट्र के प्रति निर्माणकारी विकास परक भूमिका अदा करने की इच्छा। तो राष्ट्र से जो राष्ट्रीय शब्द बना है यह सकारात्मक शब्द है जिसमें अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करने की भावना होती है, कुछ सकारात्मक करने की भावना होती है। लेकिन राष्ट्र से ही जो राष्ट्रवाद शब्द बना है इसमें पूरी तरह का सकारात्मक अर्थ नहीं होता, सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ नहीं रहता। राष्ट्रवाद किन्हीं संदर्भों में राष्ट्रभक्ति यानी अन्य राष्ट्रों को अपने राष्ट्र से नीचे मानने की प्रवृत्ति का भी सूचक होता है। तो राष्ट्रवाद करने से राष्ट्रभक्ति पता चलती है, लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि जो राष्ट्रवादी हैं वो दूसरे राष्ट्रों को अपने राष्ट्र से छोटा समझते हैं, कमतर समझते हैं।
इस शब्दावलीगत वैशिष्ट्य के अतिरिक्त, शब्दावली की विशेषता के अतिरिक्त, सामाजिक विज्ञानों की भाषा में वाक्य संरचनागत स्वरूप सामान्य भाषा का सही रहता होता है। हाँ, अर्थशास्त्र में जरूर अपेक्षित संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। तो जो वाक्य विन्यास होता है सामाजिक विज्ञान का, वह आम बोलचाल की भाषा की तरह होता है, लेकिन सिर्फ इसमें विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो अर्थशास्त्र है उसमें निश्चित रूप से विशेष प्रकार के संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, केवल अर्थशास्त्र में। अब हम देखते हैं संचार माध्यम है हिंदी। यह हम देख रहे हैं प्रयोजन मूलक हिंदी का छठवां भाग, छठवां रूप, संचार माध्यम है हिंदी। संचार माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, है ना, और दूसरा होता है प्रिंटेड, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या आते हैं, पत्र पत्रिकाएं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आते हैं, जो दूरदर्शन के समाचार होते हैं, जो टेलीविजन वगैरह होते हैं वो होते हैं। तो संचार माध्यमों के दो रूप हैं, पत्र पत्रिकाएं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो पहला माध्यम पत्र पत्रिकाओं के अंतर्गत क्या आता है, पहले माध्यम, इसको बोलते हैं प्रिंट मीडिया। पहले माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, दैनिक, दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र, पाक्षिक मतलब 15 दिन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र, विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं आती हैं। और दूसरे माध्यम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं रेडियो और टेलीविजन। अतः भाषा के संचार माध्यमों संबंधी प्रयुक्ति में उसके मौखिक और लिखित रूप दोनों शामिल होते हैं। तो भाषा के संबंध में जब हम संचार माध्यमों की बात करते हैं तो उसमें लिखित भी संचार आता है और मौखिक संचार भी आता है। ये दोनों रूप समान होते हुए भी एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। दोनों रूपों में अभीष्ट तो संप्रेषण ही होता है, किंतु संप्रेषण व्यापार की प्रक्रिया दोनों में समान ढंग की नहीं होती है। यद्यपि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार के माध्यम है, संप्रेषण के माध्यम है, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों में जिस प्रकार के शब्दावली, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है वह उनमें भिन्नता पाई जाती है। मौखिक रूप से कही गई बात को यदि हम ज्यों की त्यों लिपिबद्ध कर दें तो जरूरी नहीं कि वह उतनी ही संप्रेषणीय हो जितनी वह सुनने में प्रभावपूर्ण लग रही हो। इसका एक आधार यह भी होता है कि लिखी हुई बात को हम एक से अधिक बार पढ़ सकते हैं। मतलब जैसे मैं आपको यह बात कोई मौखिक रूप से बोल रहा हूँ और यदि इसी बात को मैं लिख कर आपको दे दूं तो हो सकता है कि वह उतना प्रभावी ना हो। मैं जितना मैं बोल रहा हूँ तो आप जितना आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उसी चीज को आपका लिख कर दे दो तो हो सकता है वैसा प्रभाव ना पड़े, मतलब मौखिक बोली, मौखिक भाषा को। लेकिन जो लिखित भाषा होती है वो औपचारिक भाषा होती है, उसका प्रभाव अधिक गहन होता है क्योंकि हम उसको बार बार पढ़ सकते हैं। जैसे अभी आप मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ये स्लाइड देख रहे हैं, बाद में मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो मेरी कही हुई बातें आपको ज्यादा समझ में आएगी क्योंकि इसको आप बार बार पढ़ भी सकते हैं। यानी पहली बार में ना समझ में आए तो दूसरी बार, तीसरी बार आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इन शब्दों का तुरंत संप्रेषण ही होना अनिवार्य है, अन्यथा वक्ता का उद्देश्य विफल हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं वक्ता हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मैं जो बोल रहा हूं वो तुरंत आपको समझ में आनी चाहिए, तभी यह कहा जाएगा कि मेरा संप्रेषण सफल हुआ। तो मुद्रित सामग्री के रूप में उपलब्ध समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के साथ संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, विचारों को संप्रेषित करना होता है। समाचार पढ़े जा रहे हैं या छापे जा रहे हैं तो वे वर्ग विशेष के लिए ना होकर समाज के सभी वर्गों के लिए हैं, यानी बुद्धिजीवियों, व्यवसायियों आदि से लेकर किसान और श्रमिक वर्ग तक के लिए हैं। ऐसी स्थिति में भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सहज, सरल, स्पष्ट और बोधगम्य हो, लेकिन इसके साथ ही संचार माध्यमों में विषयगत सीमा कोई नहीं होती। तकनीकी और विशिष्ट विषय या कला और साहित्य से लेकर खेलकूद और बाजार भाव तक की सामग्री उनमें प्रस्तुत की जाती है। ऐसे में विभिन्न विषयों की अपेक्षित शब्दावली भी उनमें अवश्य ही समाविष्ट होती है, और इस समावेश के बावजूद भाषा में बोलचाल की सरलता और लय बनाए रखनी पड़ती है। तो जो संचार माध्यमों की जो भाषा होती है, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वह केवल विशिष्ट वर्ग से संबंध नहीं रखती बल्कि हमारे समाज के सभी वर्गों से संबंध रखती है। इसीलिए जो संचार माध्यमों की भाषा है उसमें विभिन्न क्षेत्रों की शब्दावली प्रयोग में लाए जाते हैं, तो विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग नहीं करते बल्कि समाज में जो प्रचलित शब्दावली है उसका हम प्रयोग करते हैं। अलग अलग विषयों से संबंधित शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं। साथ ही चूंकि संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य है लोगों तक सूचना अथवा जानकारी को यथावत पहुंचाना, इसीलिए इसकी भाषा सहज और सरल होनी चाहिए तथा आम लोगों के समझ में आनी चाहिए। जो भाषा की, जो बोलचाल की जो भाषा है उसकी लय और उसका तारतम्य बना रहना चाहिए, तभी हमको सुनने में, पढ़ने में मजा आता है। ऐसे में विभिन्न विषयों की अपेक्षित शब्दावली भी उनमें अवश्य ही समाविष्ट होती है, और इस समावेश के बावजूद भाषा में बोलचाल की सरलता और लय बनाए रखनी पड़ती है। यद्यपि जो मीडिया की भाषा है, प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें हमारी बोलचाल की शब्दावली भी आ जाती है, विशिष्ट क्षेत्रों की शब्दावली भी आती है,
लेकिन हमारी जो भाषा है उसमें सरलता और सहजता बनी रहनी चाहिए। इस तरह संचार माध्यम में प्रयुक्त हिंदी जीवन के सभी क्षेत्रों से शब्दावली ग्रहण करते हुए उसे सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करने का प्रयास करती है। अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय इस्तेमाल करने के साथ ही यह उसके अंग्रेजी रूप को भी ग्रहण करती है और लिप्यंतरण भी खूब अपनाती है। इसके साथ ही यह हिंदी की बोलियों से भी शब्द ग्रहण करती है, जैसे भीतरघात करना, पटकनी देना आदि। तो इस प्रकार जो मीडिया की भाषा है वह बोलचाल से भी शब्दावली ग्रहण करती है, वह विभिन्न क्षेत्रों की पारिभाषिक शब्दावली को भी ग्रहण करती है, वह अंग्रेजी के शब्दों को भी ग्रहण करती है और अंग्रेजी के शब्दों का ट्रांसलिट्रेशन भी करती है। ट्रांसलिट्रेशन मतलब लिपि में परिवर्तन, जैसे नोटिस है, रिपोर्ट है, ऑफिस है, कॉलेज है, जो हम इसको देवनागरी लिपि में लिखते हैं इसे कहते हैं लिप्यंतरण या ट्रांसलिट्रेशन। इसके साथ ही यह जो आम जनजीवन में जो बोलने वाले बोलियों में जो शब्द प्रचलित है, विभिन्न बोलियों में जो प्रचलित शब्द हैं, जैसे भीतरघात करना, किसी को पटका नहीं देना, हरा देना, इनका भी प्रयोग इसमें किया जाता है। अखबारी भाषा में संक्षिप्तियां भी प्रयोग में लाई जाती हैं, जो प्रिंट अखबार होते हैं उनमें संक्षेप में भी लिखते हैं, जबकि हिंदी के अन्य प्रयोगों में इन संक्षिप्तियों का प्रचलन लगभग नहीं होता है। जैसे जद, जनता दल, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, बसपा, बहुजन समाज पार्टी आदि का प्रयोग अखबारों में खूब मिलता है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि रेडियो और टेलीविजन पर संक्षिप्तियों का प्रयोग इस ढंग से नहीं मिलता, लेकिन रेडियो और टेलीविजन में जब इन शब्दों को बोला जाता है तो पूरा बोला जाता है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी इत्यादि, तो बोलने में पूरा बोलते हैं, लेकिन जो प्रिंटेड मटेरियल है उसमें संक्षेप में लिखते हैं। इस तरह का प्रयोग रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारित हिंदी में नहीं होता है, जबकि अंग्रेजी में होता है। लेकिन अंग्रेजी में हम बोलते हैं बीएसपी, बीजेपी आदि अंग्रेजी में बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इत्यादि। तो इस प्रकार दोनों भाषाओं में फर्क पड़ जाता है। एक ही माध्यम द्वारा प्रसारित दो भाषाओं के प्रयोग में यह भिन्नता वस्तुतः एक और तो भाषा के मौखिक और लिखित रूप का अंतर प्रकट करता है और दूसरी और हिंदी और अंग्रेजी के मुहावरे का अंतर बताता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम किसी चीज का प्रसारण करते हैं तो न केवल भाषा के कारणों में अंतर आ जाता है अंग्रेजी और हिंदी भाषा में, बल्कि मौखिक और लिखित प्रकारों में भी जो संप्रेषण का जो तरीका होता है वह बदल जाता है। सामान्य रूप से संक्षिप्तियों के प्रयोग की प्रवृत्ति न होने के कारण हिंदी के श्रोता को उन्हें सुनने ही तुरंत समझने में कठिनाई होती है। तो हिंदी में जनरली हम इस तरह का प्रयोग नहीं करते बोलचाल में, बसपा, सपा इत्यादि, इसलिए हिंदी का श्रोता तुरंत समझ नहीं पाता, जबकि उनका लिखित रूप पढ़कर वह थोड़े से प्रयास से उन्हें समझ सकता है, अतः संप्रेषण में बाधा नहीं होती। कई बार जैसे बीएसपी लिखा है तो हम समझ जाते हैं, बीजेपी लिखा है तो समझ जाते हैं, लेकिन अचानक से जब हम सुनते हैं तो समझ नहीं पाते, ऐसा कहना है। और विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी, मैं यह बता रहा हूं कि अलग अलग प्रयोजन मूलक हिंदी की क्या क्या विशिष्टता है, अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार की शब्दावली, किस प्रकार के प्रयुक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब यह सातवां और अंतिम है, विज्ञापनों के क्षेत्र में किस प्रकार की हिंदी का प्रयोग किया जाता है। एडवर्टीजमेंट हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उनमें किस प्रकार की भाषा शैली और किस प्रकार का वाक्य विन्यास होता है, आइए हम देखते हैं। विज्ञापनों के क्षेत्र का संबंध काफी हद तक संचार माध्यमों से होता है। पत्र पत्रिकाओं तथा रेडियो और टेलीविजन पर विज्ञापन पढ़ना, सुनना और देखना हमारी इतनी आदत बन चुकी है कि यदि इनको बिल्कुल हटा दिया जाए तो हो सकता है कि थोड़े समय के लिए इनकी अनुपस्थिति हमें महसूस होती रहे। मतलब हम सुबह से लेकर रात तक दिन भर कहीं ना कहीं पर विज्ञापन देख रहे हैं, घर से निकलते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, पोस्टर लगे हैं, सुबह समाचार पत्र में हम विज्ञापन देखते हैं या फिर पैम्पलेट हमारे पास आ जाते हैं, टीवी देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं रेडियो में, तो दिन भर हम विज्ञापनों का हम सामना करते हैं, उन्हें देखते और सुनते हैं। मतलब यदि इनको हमारे जीवन से हटा दिया जाए तो खालीपन महसूस होने लगेगा। संचार माध्यमों के अलावा विज्ञापन के अन्य माध्यम हैं, जैसे दीवारों पर कुछ लिख देना, पेंट कर देना, मार्गों पर, होर्डिंग चौराहों पर आदि पर लगे बोर्ड और पोस्टर तथा सिनेमा का पर्दा। फिल्म देखने जाते हैं तो वहां पर भी हमको पर्दे, बड़े पर्दे पर हमको विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह विज्ञापन के तीन रूप होते हैं, एडवर्टीजमेंट के तीन रूप होते हैं, दृश्य जिसको हम देखते हैं, श्रव्य जिसको हम सुनते हैं, और मुद्रित जिसको हम पढ़ते हैं। तो टेलीविजन और सिनेमा के पर्दे पर तीनों रूपों का इस्तेमाल होता है। जब हम टीवी देखते हैं, सिनेमा का पर्दा देखते हैं तो क्या है, वहां पर हम दृश्य भी देखते हैं, उनको सुनते भी हैं, और विज्ञापन हम मुद्रित मतलब पढ़ते भी हैं। समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, बोर्ड और पोस्टर में पहले और तीसरे तथा रेडियो पर दूसरे का। जो समाचार पत्र, पत्रिकाएं वगैरह हैं, बोर्ड हैं, पोस्टर हैं, उनमें हम क्या देखते हैं, दृश्य है और मुद्रित है, दो तरीका है। और तीसरा क्या है, रेडियो पर, रेडियो पर हम केवल सुनते हैं। तो ये तीनों ही रूप एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं और भाषा अपनी गति और लय के साथ प्रस्तुत होती है।
क्योंकि विज्ञापन का उद्देश्य सूचना देने के साथ ही ध्यान आकृष्ट करना भी होता है। यदि वह व्यापारिक विज्ञापन है तो उसमें इतना आकर्षण होना चाहिए कि देखने सुनने वाला वस्तु खरीदने के लिए लालायित हो उठे। तो आप समझ सकते हैं कि विज्ञापन के जितने भी प्रकार हैं वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे व्यापारिक या वाणिज्यिक विज्ञापन है तो उसको कोई प्रोडक्ट का विज्ञापन है तो ऐसा होना चाहिए कि इतना आकर्षक हो कि हम उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बाध्य हो जाएं। इसी प्रकार कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य होता है सूचना देना, तो सूचना को हम सुनकर देखकर पूरी तरह से समझ पाए कोई विज्ञापन वगैरह को। यदि वह प्रचार पर विज्ञापन है तो देखने सुनने वाले के मन मस्तिष्क पर उसका इतना गहरा असर होना चाहिए कि प्रचार करने वाले की बात पर गौर करने या उसे मानने के बारे में विचार अवश्य करें। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, या फिर डर के आगे जीत है, आयोडेक्स मिलिए काम पर चलिए, तो मतलब ऐसा था हम उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यदि विज्ञापन रोजगार आदि से संबंधित है तो उसमें सूचना की स्पष्टता पूर्णता आदि अपेक्षित होती है। जैसे रोजगार के संबंध में विज्ञापन निकलते हैं, परीक्षा के संबंध में विज्ञापन निकलते हैं, तो इतनी सूचना परक होनी चाहिए कि हम उसको पढ़कर पूरी तरह से समझ सकें, देखकर पूरी तरह से समझ सकें। तो मतलब सूचना पूर्ण होनी चाहिए। विज्ञापन में मुद्रित सामग्री पाठ्य और दृश्य दोनों रूपों में ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से छापी जाती है। छोटे बड़े टाइप का प्रयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। इसके अलावा चित्र की सहायता भी ली जाती है। तो जो हम विज्ञापन हम मुद्रित रूप में देखते हैं, पोस्टर देखते हैं, बोर्ड देखते हैं, होर्डिंग देखते हैं, या फिर समाचार पत्रों में जो आते हैं, उसमें क्या है, छोटे फॉन्ट्स होंगे, बड़े फॉन्ट्स होंगे, विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाएगा, चित्रों का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए एक उदाहरण देखते हैं, आयोडेक्स मिलिए काम पे चलिए। वाणिज्यिक विज्ञापनों के अलावा मतलब व्यापारिक विज्ञापनों के अलावा और भी कई तरह के विज्ञापन होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं। जैसे रोजगार संबंधी विज्ञापन, जैसे आपको कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए विज्ञापन, निविदा सूचनाएं, टेंडर के जो निकलते हैं, टेंडर फॉर्म, निविदा, सड़क बनाने के लिए और किसी काम के लिए, या फिर वैवाहिक विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, क्लासिफाइड, मकान किराए से देना है। इसके बाद वैवाहिक विज्ञापन, वर चाहिए, वधू चाहिए। तो विषय और आवश्यकता के अनुसार इन विज्ञापनों की भाषा में भी अंतर होता है। तो इस तरह हमने देखा। अब हम निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। निष्कर्ष आपको लिखना अनिवार्य होता है, निष्कर्ष शब्द भी आपको लिखना अनिवार्य है। और निष्कर्ष में हम ये बताते हैं कि ऊपर हमने जो बताया उसका सार संक्षेप क्या है। तो आइए निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार परस्पर भिन्न होने के बावजूद भी एक प्रवृत्ति का दूसरे में समावेश होता रहता है, क्योंकि वास्तव में प्रवृत्तियों के बीच आपस में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जाती। तो विभिन्न जो प्रवृत्तियां हैं, विभिन्न जो भाषा के प्रयोग हैं, विभिन्न भाषा शैली है, शब्दावली है, तो ऐसा नहीं कि एक क्षेत्र की भाषा शैली तो दूसरे क्षेत्र में उन शब्दावलियों का प्रयोग हम नहीं करें। तो इसका कहने का मतलब है कि प्रयोजन मूलक हिंदी में जितने भी प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप हैं उनकी अपनी शब्दावली तो है ही, पारिभाषिक शब्दावली, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक प्रकार के प्रयोजन मूलक हिंदी की जो शब्दावली है उन शब्दों का प्रयोग दूसरे क्षेत्र में ना कर सके। मतलब आपस में एक दूसरे से मिले जुले हैं, उनका अर्थबोध तथा अभिव्यक्ति शैली किसी विशेष क्षेत्र की जरूरतों की देन होता है, और उस क्षेत्र विशेष में वह शब्दावली अर्थबोध और अभिव्यक्ति शैली की दृष्टि से कमोबेश रूढ़ हो जाती है। लेकिन इसका मायने यह नहीं होता कि उसमें परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होती। जैसे प्रशासनिक हिंदी है तो विशेष प्रकार की हम पारिभाषिक शब्दावली या तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वे शब्द उसके लिए रूढ़ हो गए, हमको उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि उन शब्दों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, समय के साथ अपनी जरूरत के हिसाब से उन शब्दों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन की संभावना हमेशा बनी रहती है। शब्द जन्म लेते हैं, शब्द यात्रा करते हैं, और शब्द कभी कभी समाप्त भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। संभावना, हालांकि परिवर्तन की संभावना अवश्य होती है, लेकिन यह परिवर्तन किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष की इच्छा का परिणाम ना होकर प्रयुक्ति क्षेत्र की जरूरतों का परिणाम होता है। ठीक है, शब्दावली में हम परिवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन यह शब्दावली परिवर्तन कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति ने बोल दिया इन शब्दों को बदल दो, या फिर कोई वर्ग विशेष, समाज का कोई वर्ग विशेष चाहता है कि इन शब्दों को बदल दिया जाए, तब चेंज नहीं होता है। बल्कि शब्दावली में परिवर्तन कब होता है, हमारी जरूरतों के हिसाब से होता है। जैसे जैसे हमारी जरूरतें बदलती है वैसे वैसे हमारी शब्दावली भी बदलती है। तो व्यापार, वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में बड़ी तादाद में आई अंग्रेजी शब्दावली ऐसी ही जरूरत का उदाहरण है, क्योंकि जब व्यापार और वाणिज्य का प्रचार प्रसार हुआ, बाहर से भी जो सामग्री इंग्लैंड वगैरह से, यूरोपीय देशों से या फिर विदेशों से भारत में सामान आने लगा, तो हमारे व्यापार वाणिज्य में अंग्रेजी की जो शब्दावली विकसित होती चली गई। तो विभिन्न प्रयुक्तियों और उनके व्यवहार क्षेत्र के को पढ़ने के बाद आप इन क्षेत्रों में हिंदी भाषा का सही ढंग से व्यवहार कर सकते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि प्रयोजन मूलक हिंदी के सात प्रमुख प्रकार हैं,
और उनमें विशिष्ट प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने भली भांति समझ लिया है, इस प्रकार आपको इस उत्तर को उदाहरण के साथ लिख लेना है। और इसका जो PDF है उसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे लिंक में डाल दिया है, उसको भी आप देख लें। और जो मेरा भाग एक है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको भी जाकर जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और इसका जो PDF है वो आप नीचे से आप डाउनलोड कर लें, आप साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।